आज हम बोटी के कबाब बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और इसमें मैंने नमक और पपीता थोड़ा सा लगा के मैरिनेट कर दिया है। इसको रख दिया ताकि बोटियां गल जाएं। और इसी में मैंने 1 टेबल स्पून मैंने ये लिया है होममेड चाट मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 कटोरी लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने काजू बादाम का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, वो खुशबूदार मसाला लिया है। खुशबू मसाला लीजिए चाहे कौरमा मसाला लीजिए, जो भी लेना है, ये खुशबू का ही है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है, गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्चा और हरा धनिया लिया है, इसको गार्निश करेंगे। मैंने प्याज लाल कर रहे हैं, इसमें प्याज लाल हो जाएगी तो इसी में हम मटन डाल देंगे और लहसुन अदरक डाल के इसको गला लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम बोटियां डाल देंगे। ये बोटियां मैंने बहुत छोटी छोटी से देखें, छोटी छोटी बोटियां मैंने कराई हैं, इतनी छोटी छोटी बोटियां ही अच्छी लगती हैं बोटी के कबाब में। इसको मैंने डाल दिया, देखेंगे इसी में लहसुन अदरक डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसको इसके साथ थोड़ी देर पकने देंगे। लहसुन अदरक मैंने अब मिक्स कर दिया है, ये गोश्त गलेगा इसके अंदर। पपीता लगा हुआ है, वैसे जल्दी गल जाएगी बोटियाँ और घुली घुली बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। इसी में हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इसी में हम गरम मसाला पाउडर हम लगा चुके हैं थोड़ा सा और डाल देंगे और होममेड चाट मसाला डाल देंगे और ये खुशबू का आधा मसाला डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे। इसी में हम काजू बादाम पिसा हुआ डाल देंगे, चम्मच जो लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के सीटी लगा देंगे ताकि ये गल जाए, फिर इसमें हम बेसन भून लेंगे। हम तो जल्दी की वजह से कुकर में बना रहे हैं। अगर आपके पपीता पहले आपने लगा के रखा है 1 दिन पहले से, तो आप कढ़ाई में पतीली में किसी में भी बघार दीजिए, धीमे धीमे गोश्त गल जाएगा। जब ये बोटियाँ गल जाएंगी तो आप इसमें बेसन भून के डाल दीजिए। हम तो जल्दी से गलाने के चक्कर में बस फटाफट बना रहे हैं। हमने थोड़ा सा पानी डाल के कुकर बंद किए दे रहे हैं, ये भुन जाएगा, गल जाएगा, फिर इसके बाद इसी में हम बेसन, जब तक साइड में हम बेसन भूनेंगे। अब इसमें हम बेसन भून लेंगे और बेसन भून के, बेसन में हम तेल डाल के भूनते हैं तो अच्छा रहता है, कचहन नहीं रहती है बेसन की। अब इसको भुन जाएगा बेसन, हम इसमें ये देखिए अब बेसन भुन गया है अच्छा खासा। अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी ताकि ऑयल से बेसन जो है अच्छा हो जाता है और कचहन नहीं लगती है। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, अब इसको इसमें हम 1 सीटी के बाद बस 10 मिनट तक ये गलाएंगे। बेसन पहले से इसलिए नहीं डाला क्योंकि बेसन चिपकता है और बेसन चिपकने से उसमें बार बार चलाना पड़ता है, इसलिए पहले हमने कहा बोटी गला लें, उसके बाद इसको हम फटाफट डाल के और भून लेंगे। देखिए हमने कुकर खोला है, अब इसमें की बोटियां अब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे ताकि इसमें हम भून सकें। देखिए इतना हो गया है, अब इसमें हम बेसन डाल देंगे ये ताकि इसके साथ भी थोड़ी देर ये पक जाए। ऐसे हो जाता है, बोटियाँ गल गई हैं, अब इसको हम इस धीमी आंच पे चढ़ा देंगे ताकि थोड़ी देर धीमे धीमे ये पकता रहेगा। इसको चलाते रहना पड़ता है, अगर नॉन स्टिक में पका रहे हैं तो इतना नहीं, मगर अगर वैसे पका रहे हैं तो 2-2 मिनट पे चलाना पड़ेगा ताकि बेसन ना लगे। फिर उसके बाद इसको गार्निश कीजिएगा हरा धनिया हरी मिर्चे से, लिया तो लज्जत दाने तो खुशबू का मसाला डाल। ये देखिए मेरे कबाब तैयार हो गए, अब इसको मैं गार्निश करूँगी। बारीक बारीक हरी मिर्चा काटी है और हरा धनिया, मगर बहुत टेस्टी कबाब बने, खा लीजिए तो मज़ा आ जाए। देखिए इसमें हरा धनिया भी डाल दिया, अब ये रेडी हो गया है। अब इसको जो है आप पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या शीरमाल के साथ खाएं, सबके साथ बहुत मज़ा आएगा। खा के देखिए, बना के देखिए।